आ गए फैक्ट्री में भाई शूज की, यहाँ पर हजारों आर्टिकल्स है भाई, हजारों की लस्सी में फेटा लगाया, बैठ के लगा रहे हैं। गाइस ये खुद बोलते हैं कि मैं लस्सी बनाऊंगा, मैं अच्छी लस्सी बनाता हूँ। मजा आता है लस्सी बनाने में यार, घड़ा होता है ना, घड़ा छोटा सा मटके टाइप का, उसमें बड़ा मजा आएगा तुम्हें बनाने में, है ना। आप बताइए लस्सी खुद बनवाते हैं लोग, बोले सबक लस्सी में भी काम छोड़ता नहीं। लस्सी तो गाइस मैं खुद बनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग भाई। मॉर्निंग हो चुकी है हमारी, अभी हो रहे हैं भाई 10वीं सहरी का टाइम भाई। सेटू भाई कॉल आ गई है भाई, मैं लस्सी बना रहा था भाई। लस्सी देख ली कैसी बनाई है। वालेकुम सलाम, कैसे हो हाजी साहब। हाजी साहब का मैंने व्लॉग देखा, हाजी साहब पता क्या कर रहे थे, बाल नहीं है सर पे लेकिन खुजा रहे थे। मैं इतना आती थी। वाह यार वाह, क्या बात। ये तो कैसे खुजा रहा था, अभी भी खुजा रहा है। मैंने गुट्टे के लिए बहुत सारी शॉपिंग करी है, बहुत सारी माशाल्लाह। चलो तो गाइस टेबल तो लग चुकी है भाई, अब जो है वो लाइट्स खोल लेते हैं भाई सारी। ये टपाटूस तो अभी तक ले, अबे टपाटूस उठ उठ उठ, सो रहा है, सेहरी का टाइम हो जाता फिर सोता है। तो गाइस सब हमें सिखा रही है भाई क्यूब्स भरने का तरीका, देखो बीच में रख के। हाँ, और अब ये सारे भरेंगे। अच्छा, जैसे जैसे ऊपर वाला फुल होता जाएगा और नीचे पानी आता जाएगा। ओके, तो गाइस पापा भी उठ गए, तो भाई निकल चुका है खाना, फटाफट से खाते हैं भाई खाना। सो हम लोगों ने सहरी कर ली है और माज अब ब्रश कर रहे हैं। माज वॉशरूम में जाके करते हैं, ये गंदगी होती है, किचन में कुछ भी नहीं करते। बस अब हम लोग वुजू करेंगे और नमाज पढ़ के सो जाएंगे, फिर मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़। मॉर्निंग, अबे टमाटोस क्या कर रहा है भाई, सुबह सुबह शूज में कहाँ घुसा हुआ है। तू भी उठ गया, देख आज तेरे से पहले उठा हूँ। अबे वाह भाई वाह, अबे मैं शूज देख रहा हूँ यार, क्या हो गया शूज में तेरे, इतने सारे शूज है तो तेरे। मैं शूज बहुत पुराने पुराने हो गए, ये देख, ये देख शूज बहुत पुराना है दोस्त। अबे तुझे क्या करना, ईद के लिए शूज अभी देख रहा है, 5 साल पुराना शूज। ये तो गाइस मेरे ऊपर वाले, 6 साल पुराना शूज। ये भी मेरा है, मेरे शूज दिखा रहा, निकल उठ यहाँ से, तुझे भी शूज चाहिए क्या। शूज लेने पुराने पुराने शूज देख के जो है ना वो सुरदा हो रहा है, तो आज मैं तेरे को फैक्ट्री लेके जाता हूँ शूज की। टेंशन क्यों ले रहा है, जितने शूज चाहिए तू उतने शूज लियो। कौन सी फैक्ट्री। अबे शूज की फैक्ट्री डबाटू, शूज ही शूज। जिस तरह इधर इतने से शूज रखे ना, वहाँ पर उधर इतने सारे शूज होंगे, रखे होंगे जैसे, इससे ज्यादा इससे ज्यादा। तो फटाफट से कपड़े चेंज करते हैं और चलते हैं डायरेक्ट। तो फटाफट से हो गया भाई मैं रेडी। सब जो खाना बना रही है, बासिल जो है ना अपना वो खेलने कूदने में लगा हुआ है, मैं स्पेशल देख रहा है, और हमें छुपके से निकलना है अभी। टपाटू जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। तो गाइस हम सबा और बासिल को छोड़ के जा रहे हैं, इनका क्या काम वहाँ पर, क्योंकि शूज तो डमाडस ने लेने। अरे भाई पेट्रोल है नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है। जल्दी 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 जल्दी। गाइस पेट्रोल करवा लिया फुल भाई, और मैं आपको एक गुड न्यूज दूं अपनी गाड़ी की, कि यार माशाल्लाह गाड़ी ने जो है ना वो 14,000 के पेट्रोल में 500 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। अबे किधर रह गई फैक्ट्री शूज की, अबे ढूंढ ही रहा हूँ यार, कहीं ना कहीं तो मिली जाएगी। सबर कर, मुझे पता भी है रास्ता या नहीं। अबे पता है पता है पता है, क्या ऐसी घुमा रहा है गलियों। अबे पता है पता है पता है। अबे टमाटोस आ गए फैक्ट्री में भाई शूज की, यहाँ पर हजारों आर्टिकल्स है, हजारों तुझे शूज, हजारों चप्पलें, जो पसंद आ रहा है इसके लिए वो तू ले ले टमाटोस। लेकिन उससे पहले तूने आज तक कितने शूज पहने, हजारों पहने, लेकिन तूने कभी देखा ये बनते कैसे है। तुझे आज वो भी दिखाऊंगा कि बनते कैसे, वन स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप से तुझे दिखाता हूँ, आ जा। तो गाइस आ चुके हैं भाई फर्स्ट स्टेप पे, जहाँ पर इनके लेदर की हो रही है कटिंग। गाइस ये शूज के ना छोटे छोटे साइज कट रहे हैं, जब भी फर्स्ट स्टेप पे आते हैं तो यहाँ पर पैटर्न ही कटता है सबसे पहले। तो गाइस यहाँ पर हो रहा है भाई सारा सेकंड। अबे टमाटर ये देख, जो जितना भी कटकर आया नीचे से पैटर्न, वो यहाँ पर जो है ना देखिए, अभी इसके चारों साइड जो है फिनिश हो रही है, उसके बाद आगे चल, आगे तीसरा स्टेप दिखाऊंगा। गाइस ये है थर्ड स्टेप, जो कि पूरा जो है ना ऊपर के चप्पल का या जूते का वो नहीं होता, इसके नीचे फिर सोल आएगा, इसके नीचे फिर सारी चीजें आएंगी। गाइस ये हो रहा है भाई फोर्थ स्टेप, ये अपर जो है ये सोल के साथ देखना चुपकेगा। अब जा रहे हैं भाई फिफ्थ प्रोसेस की तरफ, यहाँ पर हर फ्लोर पे अलग अलग प्रोसेस हो रहा होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो होती है ना उनमें ऐसे ही होता है काम भाई, काम बटे होते हैं हर बंदे को अलग अलग। तो गाइस ऊपर हमने देखी थी चप्पल, इस चप्पल का फोर्थ प्रोसेस आ चुका है, जो कि नीचे आप इसके साथ जो है ना वो सोल लगेगा। तो पहले ये वॉश कर रहे हैं इसको, ताकि जो चिकनाहट के पार्टिकल्स है ना वो सारे खत्म हो जाएं और सोल जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बैठे। सो गाइस एक जो है ना वो बॉटम पे लग रही है हमारी ग्लू, एक लग रही है हमारी अपर पे ग्लू, और फिर आगे जाके जो है दोनों ये कंबाइन हो जाएंगे। गाइस ग्लू लगाने के बाद ना मशीन में छोड़ दिया जाता है, और मशीन में जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इसको हीट मिलती रहती है, और फिर बिल्कुल लास्ट में जाके जो है ना इसको वो कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखे कंबाइन का प्रोसेस जो है ना वो जारी है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ लगा दे। गाइस फिनिश यार, पाकिस्तानी मेड है भाई, पाकिस्तानी। ये गाइस यहाँ पर हो रही है मशीन वाली
प्रेस, मतलब एक मैन कर रहे हैं, देन उसके बाद फिर मशीन भी कर रही है वो काम, ताकि और एक्यूरेसी हो जाए। तो गाइस प्रेसिंग मशीन से जो है ना वो चप्पलें निकल कर इधर आ चुकी है बॉक्स के अंदर। अब बॉक्स के अंदर से जो है ये फाइनल होने के लिए जा रही है वो था हीटेड एरिया, अब ये है कूलिंग एरिया। मैन पावर भी 2-3 बार लग रही है, फिर मशीन की पावर लग रही है। तो गाइस कमाल काम चल रहा है भाई यहाँ पर तो पाकिस्तान में। चलो 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 चलो, ये भाई आ गए चप्पल, आजा 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 आजा। ये जो है ना वो कूल होकर आई है। अबे टपाटू तेरे लिए चप्पल देख रेडी करवाई है, देख तेरी आंखों के सामने बे। अबे चप्पल रेडी करवाई है, साइज तूने पूछा मेरा। अबे सब कुछ सही होगा, अबे ले ले टपाटू, अच्छी चप्पल है, मजे की लगी। तो भाई हमने इनकी मैन्युफैक्चरिंग तो देख ली, अब इनका स्टोर भी देख लेते हैं गाइस। जितने भी यहाँ पर आर्टिकल बने हुए ना ये सब बनाते सब। और अभी पता तुझे, अब हम जा रहे हैं इनके मेगा स्टोर, क्योंकि ये नया खोलने लगे, तो वहां से तुझे जाऊंगा शॉपिंग। एक तेरी चप्पल यहाँ से हो गई, अब 2-3 शूज वहां से भी। लेट्स गो भाई, मजा आ रहा है भाई। फैक्ट्रियां विजिट कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में मेकिंग देख रहे हैं, प्रोसेस देख रहे हैं। गाइस बिजनेसमैन को ना इसी में खुशी मिलती है लिटरली। एक व्लॉगर होने की तो खुशी खुशी है, लेकिन जब बिजनेस कर रहा होता हूं ना, तो और इतनी बड़ी बड़ी चीजों को आप स्टडी कर रहे हो, तो देख रहे होते हो उसके बारे में, और कुछ सीखने को मिलता है। और अब जो है ना शॉप चलते हैं। सो गाइस पहुंच चुके हैं भाई, इनकी दूसरी आउटलेट है दारुसलाम, जो कि इंडस हॉस्पिटल के सामने ही है, सोसाइटी के अंदर। सो गाइस मेन गेट से जैसे एंटर हुए, सामने ही भाई मेगा एयरबॉर्न फैक्ट्री आउटलेट। तो भाई आ चुके हैं शॉप पर, और अब जो है ना भाई वो रेट देख लेते हैं और फटाफट से करते हैं भाई यहाँ से परचेज। क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद पसंद आ रही है। अबे इसकी प्राइस तो बड़ी कम है यार। अबे टमाटर तू फैक्ट्री आउटलेट में आए ना इनकी यार, ऊपर से 30% देखो ऑफ भी मिल रहा है। अब दूसरे ब्रांड पे लेगा ना तो तुझे ये 8-9 हज़ार की या 10 हज़ार की तो मिलेगी मिलेगी। अब इधर भी 30% ऑफ लगी हुई, शूज भी ले लेते हैं आपको, ये वाला शूज अच्छा लग रहा है, चल ले ले ये भी। अबे मुझे तो ये भी पसंद आ रहे सारे। अबे इसमें से भी एक ले ले, ये उठा लिया इसमें से। अबे देख प्राइस तो ज्यादा नहीं है इसकी कहीं। अबे नहीं इस पे भी 30% ऑफ, चल ये भी ले ले। अब ये क्या कर लिया, अलग अलग शूज पहन लिए, इतने ज्यादा पसंद आ गए क्या। तो गाइस शॉपिंग हो गई है डन, और इतने सारे बच्चे हैं नीचे। एक मिनट, ये तुम लोग डांस करो, तुम लोग का रोजा नहीं है क्या? झूठ नहीं, रोजे में झूठ नहीं। तो गाइस काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा भाई मेरा मेगा एयरबॉर्न फैक्ट्री आउटलेट के साथ। और अगर तुम लोग भी विजिट करना चाहते हो, तो अगर तुम लोग इसी के आसपास रहते हो, दारुसलाम में रहते हो, या कुरंगी साइड पर रहते हो, क्रॉसिंग साइड पर रहते हो, तो आके विजिट कर सकते हो। और नीचे मैं दे रहा हूँ भाई नंबर इनका डिस्क्रिप्शन में, और भी इनकी वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, तो तुम लोग जाके इनसे भाई ऑर्डर कर सकते हो, एक सिंगल प्रोडक्ट मंगा सकते हो, या अगर तुम लोग रिटेलर हो तो तुम लोग इनसे होलसेल में मार्ट परचेज भी कर सकते हो। अबे टमाटोस तेरी तो शॉपिंग बहुत ज्यादा ही हो गई यार आज तो, मतलब तुझे तो मजा ही आ गया भाई। अबे ईद की शॉपिंग हो गई, अब चप्पल और शूज लेने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ कपड़े लेने की जरूरत है। अबे चड्डी बना लेगा या कपड़े लेगा? कपड़े लेंगे, बस ना ठोक दे, रक्षा ना ठोक दे। सो गाइस निकल पड़े हैं भाई जगह से, और काफी ज्यादा ना मेरे को एक्सपीरियंस हो रहा है यार, मतलब इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज माशाल्लाह देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पर जो है ना बल्क में काम हो रहा होता है। और कितनी अच्छी बात है कि ये पहले चीज जो थी ना ये चाइना से इंपोर्ट करते थे लोग पूरे पूरे शूजेस, अब जो है ना खुद यहाँ पर उसके पार्ट्स मंगवाते हैं चाइना से और फिर यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ पर बहुत सख्त जरूरत है इंडस्ट्रीज में, और इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में, जब जाके जो है ना हम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मुल्कों को टक्कर देंगे, जब हमारा इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो हर काम में एक्सपर्ट होगा और चीता होगा। आराम से प्रोसेस दिखाऊं तो वो सेटिस्फेक्शन आती है, सेटिस्फाइंग जो प्रोसेस होता है, लेकिन मैं तो जस्ट 2-3 मिनट में पूरा बता देता हूँ। अभी हम ऐसा भी करेंगे कि हम लोग सारा अच्छे से प्रोसेस आपके सामने रखेंगे कि भाई फैक्ट्री में किस तरह काम होता है, किस तरह से वो प्रोसेस होके प्रोसेस टू गुजरती है। अभी फैक्ट्री और आउटलेट में तो हमें 6 ही बज गए, तो अब हम चलते हैं भाई घर पहुँचते जल्दी जल्दी से। ओए भाई गुड मॉर्निंग, इतना पौरा मुंह गुड मॉर्निंग में। मॉम क्या बना लिया ये? बिरयानी। फर्स्ट फ्लोर पे खुशबू आ रही थी मेरे को, मैंने बोला घर से ही आ रही है खुशबू, ये घर पे तो इतनी आ रही है, इसके क्या बताऊं क्या बताऊं। मम्मा ने सबको टेंशन में डाल दिया, अम्मा ने कह जल्दी से रोजा खुल जाए। गाइस हमारी सबकी फेवरेट है बिरयानी, और आज बनी है भाई 10वें रोज। अच्छा इनकी भी फेवरेट है? हां देखो। अब टमाटर की हो गई भाई शू शॉपिंग। हाँ देखे आ जाए आ जाए, क्या अनबॉक्सिंग है, वाओ तुम्हारी है, अच्छी है। डमाड़ा की चप्पल लिए, वाओ ये तुम्हारी लेकर आया हूँ, ये लेडीज की, यस ये तुम्हारी लेकर आया हूँ, 2 कलर लेकर आया हूँ। सबक से तेज है ना थोड़ी, मेरे बच्चे जितने बच्चे तेज नहीं होते उस तरह भी, देख नीचे रही इसकी। हाँ चप्पल अच्छी है, पापा के लिए लाए।
ये भी टमाटर के लिए लेकर आया भाई, टमाटर ने शूज भी लिए। अबे अच्छी है ये तो, फरियों को आ रही है। अबे टमाटर तेरे पास, ये मेरी चप्पल है, तुम्हें तो नहीं आएगी। सारी में रह गया भाई 15 मिनट। तो भाई लग चुकी है सारी इफ्तारी और बैठ चुके हैं सारे, और मॉम कह रही है कि भाई ऐसी ही इफ्तारी होनी चाहिए ना मॉम। हाँ बिल्कुल सिंपल सादी बस। हाँ तो आज जो है ना गाइस ज्यादा इफ्तार में चीजें नहीं है, बस पकौड़े समोसे और दही बड़े और चाट। बाकी पापा के तो ये पापा के लिए होता है गाइस, ये फुल्कियां हैं, क्योंकि आज जो है ना गाइस वो है बिरयानी। सो जैसे ही आपका भाई जो है चाट खाएगा उसके बाद से बस बिरयानी की पूरी ट्रे खाऊंगा भाई, पूरी ट्रे। काफी टाइम बाद बिरयानी खाने को मिल रही है भाई, जा रही है। अच्छा ये क्या है, ये चाट नहीं थी गाइस, दही बड़े मुझे लगा चाट है, मैंने इधर कर दी। कलर ऐसा है ना। तो भाई फटाफट से करते हैं इफ्तारी। मामा को पता है आपकी एक चीज काफी ज्यादा वायरल हो रही है। क्या? वही वाला बासिल वाला। हाय 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 वाला। सब लोग उठा उठा के लगा रहे हैं, मतलब आपने का कमाल की एक्टिंग की है यार, बहुत कमाल की एक्टिंग। नहीं वो मुझे अच्छा लगता है, वो बच्चा भी बहुत प्यारा है, उसकी जो ज्यादातर अल्फाज है ना वो वही तो है, वही सुनने के। हाय हाय हाय। बासिल से बच के बाहर निकला, स्लो से खुंडी खोलिए। So guys, भाई मुझे जाना है भाई डायरेक्ट ऑफिस, ऑफिस में है भाई आज छोटा मोटा सा काम, सो लेट्स गो, चलते हैं ऑफिस। तो भाई पहुंच चुके हैं ऑफिस, चलो 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 गाइस। फटाफट से किया काम भाई, जैसे ही आए वैसे काम कर दिया बस, और अब चलते हैं भाई घर। घर नहीं सॉरी, सबा की कॉल आई है कि यार मैं जो हूँ ना वो जारेब के गई हुई हूँ, मतलब लारेब और जन्नाब के पास, केक शेक लेके कोई बर्थडे बर्थडे थी उनकी, चलते हैं सबा को पिक करते हैं। लेट्स गो भाई, लेट्स गो, चलो 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 चलो। गाइस तुम लोग बोलते हो कि ऑफिस में जो मास जाता है आता है और वापसी निकल जाता है, तो यार वो मैं व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करता, काम शाम होता है वो हम लोग फिर बातचीत से कर लेते हैं काम शाम, क्योंकि रिपोर्ट्स वगैरह ही चेक करनी होती है और तो इतना कुछ खास करना नहीं होता मैंने। लगना जाए लगना जाए लगना जाए। सो गाइस उतरते साथ जो है ना वो ये पकड़ा दिया मुझे कि बासिल के लिए जो ना मास्क पहन कर आओ अंदर। भाई सही बेल बजाई है, नहीं बजाई मैंने, मास्क तो मैंने पहन लिया है। स्पाइडरमैन आ गए, इसको तो बंद कर। पापा स्पाइडरमैन बने हुए थे भाई। और बताओ माय फ्रेंड कैसे गुजर रहे हैं भाई रोजे? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजर रहे हैं, सब मजे में गुजर रहे हैं, फिट पार्ट गुजर रहे हैं। कल आप मेरी बहन को जो वो फजूल में स्ट्रॉबेरी खिलवा देते साले, अबे मेरी गलती क्या थी? और तुम ये बताओ तुम सरप्राइजेस काफी नहीं देते हो अपने व्लॉग के अंदर? यार मुझे मजा आता है, बहुत सरप्राइज देता है अपने व्लॉग के अंदर, इसका हर व्लॉग सरप्राइज होता है, ये सरप्राइज वो सरप्राइज ये सरप्राइज। मेरी कोशिश होती है मैं जो है ना मेरे से जुड़े जितने लोग हैं उनको सरप्राइज देता रहूं, मुझे मजा आता है सरप्राइज। गाइस इसके मैं चीजें देख रहा था, कुछ नहीं हमने मजदूर बुलाया था। सही है, ये देख रहा था कि यार इसके कंट्रोलर पे देखो स्पाइडरमैन, ये कंट्रोलर पे स्पाइडरमैन, ये प्लेस्टेशन की देखो पूरी पूरी स्किन चढ़ाई हुई भाई प्रॉपर स्पाइडरमैन की। उई सब डर लग रहा है, सब डर लग रहा है, वापस पहुंचो। ओ बाय बाय। ओके जी तो भाई सब कर लिया हमने पिक, अब चलते हैं भाई डायरेक्ट घर। ये तुख भी आई थी यार, मुझे तो लगा सिर्फ सब अकेले आई हुई थी। वाह तुम लोगों ने केक शेक कट कर लिया सारा, बासिल ने उनका केक तोड़ तोड़ के। पहुंच गए जी घर, लेट्स गो। ओके उठा लेता हूँ उसको, भी नहीं उठाऊंगा मैं इसको, तो मैं उठा के सब जगह घुमा लूंगा, खा जाऊंगा कच्चा कच्चा खा जाऊंगा। ये कौन है? स्पाइडरमैन। उसे चाचा। अरे अरे वाह भाई आज तो बाहर गैदरिंग लगाई हुई बड़ी पान के साथ बाबा आपने। यार सारी न्यूज ले रहा हूँ जापान की, न्यूज ले रहे हैं क्या क्या ऐसी क्या न्यूज? काफी सारी चीजें यार, मालूमात वहाँ की यार। हाँ भाई ये पापा के बेस्ट फ्रेंड्स हैं बचपन के, सलाम करो शाम को, जल्दी सलाम करो, जल्दी करो। जू 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 जी जी जी, जल्दी जल्दी बिरयानी दो यार, बड़ी ऊपर आया उसको। हाँ चल रहा था बना लू, ठीक है। तो गाइस बिरयानी जो है ना आपके भाई ने इफ्तारी में नहीं खाई थी और अब जो है ना बिरयानी खाएंगे भाई। तो भाई आ चुकी है बिरयानी और दस्तखान भी हमने बेड पे ही लगा लिया है, बड़ी ने निकाल ली है भाई बिरयानी। बड़ी ये भी डालो यार, 3.5 साल बाद जो है आप वो हमारे घर पे खाना खा रहे हो। बेड के ऊपर गाइस जब मैं हॉस्टल में रहता था ना, हॉस्टल में हम दोनों साथ रहते थे और मैं इतना छोटा सा हुआ करता था और ये बड़ा हुआ करता था, ये था हॉस्टल का सबसे शरारती बच्चा, सबसे शरारती बच्चा होता था ये। 16 साल का था तो बच्चा ही काउंट होगा उस टाइम पे भी। तो यही सीन था कि हम लोग बस सिर्फ और सिर्फ मजे करते थे हॉस्टल में, जहाँ पर हमें पढ़ना लिखना था। निकालते वही खाना साथ साथ,
और हम बात भी करते रहेंगे। तो भाई खाना भी हो गया फिनिश, तो जैसे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा व्लॉग को, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट कर दो यार। यार हमने बासवे प्रैंक तो कर दिया वो मास्क वाला, लेकिन वो तो डर गया भाई, क्या करें अब मतलब मुझे तो मैं तो सोच रहा था कि पूरा कॉस्ट्यूम बना के ना उसको मैं डराऊं या उसको दिखाऊं, बट वो तो भाई डर रहा है अब तो। अब मैं सोचता हूं कोई कि वो खुश कैसे होगा, मतलब कौन से कॉस्ट्यूम से, तो कार्टून वाला लेना पड़ेगा या तो कोई टॉम एंड जेरी वाला लेना पड़ेगा इस तरह से। तो साथ साथ हमने जो है आज फैक्ट्री विजिट की शूज की भी, तो बताना कैसी लगी आपको और ये पूरा व्लॉग कैसा लगा आपको। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लाइक मस्ट करना, थैंक यू सो मच। We'll be right back.